तो जानिए गाड़ी के नंबर प्लेट से, प्लेट के कलर से उस गाड़ी का स्टेटस कि गाड़ी किसका है और कौन कौन यूज कर सकता है, कौन कौन चला सकता है, केवल उस गाड़ी के नंबर प्लेट के कलर से, ना कि नंबर से, नंबर से नहीं, उस गाड़ी के नंबर प्लेट के कलर से। तो चलिए बात करते हैं, ये केवल भारत के लिए ही लागू है। सफेद नंबर प्लेट पर काले अक्षरों से लिखा गया नंबर, यह जो होता है यह आम लोगों के लिए होता है, इसका आप कॉमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते हैं, यानी आप इसको भाड़े पे नहीं लगा सकते हैं। ये पर्सनल यूज़ के लिए होता है, आम लोगों के यूज़ के लिए होता है। अगर उजला बोर्ड पे ब्लैक अक्षरों में लिखा है तो। दूसरा नंबर है काली प्लेट पर पीला नंबर, ये जो गाड़ियाँ होती हैं ये कॉमर्शियली यूज़ के लिए होती है, जिसे आप किराए पर दे सकते हैं या किराए पे लगा सकते हैं खुद चलाने के लिए। यानी आप किसी शहर में जाते हैं और देखते हैं काली प्लेट पर पीला रंग से लिखा हुआ कोई नंबर मिलता है, तो आप समझ जाइए कि उस गाड़ी में जो व्यक्ति है वो एक ही व्यक्ति का हो, जो ड्राइवर वो गाड़ी चला रहा हो, वो गाड़ी उसका नहीं है बल्कि उसने भाड़े पे लिया है चलाने के लिए, घूमने के लिए, ये होता है इसका मतलब। ओके, तीसरा नंबर आते हैं पीले प्लेट पर काले रंग से लिखा गया नंबर, यह कॉमर्शियल व्हीकल होता है जो कि आपसे किराया लेकर आपको एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है, जैसे ऑटो वगैरह वगैरह। लाल नंबर प्लेट, लाल नंबर प्लेट यह देश के बड़े लोगों जैसे गवर्नर, प्रेसिडेंट के लिए होता है, यानी केवल यही लोग इस तरह के नंबर प्लेट लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। ओके, बाय।